के वैशाली जिले में शादी का अनोखा रिसेप्शन देखने को मिला, जब कैप्टन शिखर गगन अपनी शादी का रिसेप्शन सेना की वर्दी में मनाते नजर आए। दरअसल राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन के छोटे पुत्र की रिसेप्शन पार्टी मनाई जा रही थी, जहां कैप्टन खुद अपनी वर्दी में थे तो वर वधु की सुरक्षा में सेना के जवान तैनात थे। पूरे लाव लश्कर के साथ दूल्हा दुल्हन आने वाले मेहमानों का आशीर्वाद ले रहे थे। सेना के बैंड की धुन लोगों का उत्साह बढ़ा रही थी, लिहाजा इस खास जोड़े को आशीर्वाद देने भी खास लोग पहुंचे थे। इस बारे में जब कैप्टन शिखर गगन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि देश के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं समाज छूट जाता है, बावजूद इसके यहाँ के लोगों ने समय निकाल कर हमें आशीर्वाद और सहयोग दिया, जिसे देख कर बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जो प्यार मेरे समाज के लोगों ने दिया। आदमी देश के प्रति जवाबदेही है और समाज के प्रति, तो मैं देश का जवाबदेही पूरा कर रहा हूँ। इस चक्कर में समाज थोड़ा मेरा छूट जाता है, मैं लोगों से उतना घुल मिल नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोगों ने ऐसा मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए समय नहीं निकाल पाया हूँ। ये देख के बहुत अच्छा लगा, रेस्पेक्ट मिला है मुझे मेरे प्रोफेशन को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लोगों ने दिया है, वो देख के बहुत अच्छा लगा। बिहार विधानसभा के पूर्व सभापति उदय नारायण चौधरी, पूर्व राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान उजियारपुर विधायक आलोक मेहता, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के अलावा राजनीति के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। अपने कैप्टन पति के साथ स्टेज पर खड़ी दुल्हन नीता भी कोई आम लड़की नहीं बल्कि एयर इंडिया में पदाधिकारी हैं। बिहार के वैशाली में एक शादी के रिसेप्शन में दूल्हा अपनी कैप्टन की वर्दी में नजर आए तो लोगों ने इस बात को सराहा।